तो अब ये हो चुका है, अब ये लोग इसको यहाँ से उतार रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है नीतीश एंड क्यूजिन। तो अभी जो टाइम है उसमें 14 जनवरी पहुंचने वाला है, मकर संक्रांति आने वाला है और मकर संक्रांति में सबसे जो फेमस जो चीज़ होती है वो होती है तिलकुट। तो आज हम अपने चैनल पे देखेंगे तिलकुट की पूरी रेसिपी जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बनाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं तिलकुट की पूरी रेसिपी। तो देखिए, हम आ चुके हैं फिराया लाल और यहाँ पे हमें मिलेगा शहीद चौक आगे जाके, क्योंकि तिलकुट की रेसिपी देखनी है तो हमें जाना होगा अपर बाज़ार। तो ये है अपर बाज़ार का रास्ता, तो चलिए चलते हैं अपर बाज़ार। और अभी जो है, अगर मैं तिलकुट की बात करूँ तो तिलकुट जो होता है वो पारंपरिक मिठाई है जो कि देश विदेश में भी जाना जाता है। अगर 14 जनवरी को मकर संक्रांति को लेकर बात करें तो अभी से ही दुकानें सज चुकी हैं और हम जा रहे हैं अपर बाज़ार। आप देख सकते हो कि कितनी सुंदर दुकानें सजी हुई हैं। मैं जब भी अपर बाज़ार आता हूँ ना तो मुझे खास करके बनारस की याद आ जाती है, क्योंकि वहाँ भी इसी तरह की गलियाँ हैं। तो देखिए किस तरह से तिलकुट की दुकानें सजी हुई हैं और संक्रांति में तो एक महीने से पहले से ही सड़कों पर तिलकुट का सौंधी महक और तिल कुटने की धम धम की आवाज़ एकदम आने लगती है। तो एकदम किनारे आप अगर यहाँ जाओगे तो आपको अपर बाज़ार में पूरी तरह से तिलकुट की सुगंध आएगी। और साथ ही मकर संक्रांति में तो तिल के लड्डू, चूड़ा, गुड़ और ये सब मिलते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं ये लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं ये तिलकुट। आज हमारे साथ हैं राकेश जी, जिनका तिलकुट का बहुत बड़ा फैक्ट्री है यहाँ पे अपर बाज़ार में। अपर बाज़ार की कौन सी गली में? ये भुचर गली। भुचर गली है। तो ये बहुत ही बड़े पैमाने पे तिलकुट का उत्पादन करते हैं और पूरे रांची में इनका सप्लाई है। तो आज हम यहाँ देखेंगे कि ये तिलकुट किस तरह से बनाते हैं, पूरा प्रोसीजर देखेंगे और साथ में ही आपको दिखाएंगे कि कितने सारे कारीगर हैं जो इसको कितने मेहनत और कितने लगन के साथ बना रहे हैं। तो चलिए भैया के साथ हम लोग देखते हैं और नाम याद रखिएगा, राकेश तिलकुट। और आप ज़रूर, आप लोगों व्यूअर्स से अनुरोध होगा कि आप आइए अपर बाज़ार और यहाँ से जितना भी ले जाना चाहते हैं आप उतने क्वांटिटी में ले सकते हैं। यहाँ बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर तिलकुट का उत्पादन हो रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं शुरू से कैसे ये लोग तिलकुट बनाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है चीनी को गलाने का, मेल्ट करने का, या आप इसके जगह पे गुड़ भी ले सकते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने चीनी लिया हुआ है। तो इसमें ये चीनी का पूरा पाग है ना? हाँ। चीनी का पाग है और ऊपर से आप तिल डाल रहे हैं। हाँ। जो तिल डाल रहे हैं आप, वो भुना हुआ तिल है या भूंजा हुआ तिल है? अच्छा, भूंजा हुआ तिल है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ कितना मोटा परत है पूरा चीनी का, ये चीनी वाला है और इसके ऊपर से भूंजा हुआ तिल आपने डाला है। इलायची डालेंगे। अच्छा, इलायची भी डालेंगे। तो इलायची भी भुनी हुई है? हाँ। इलायची का पाउडर आपने बना लिया है और आप वो डाल रहे हैं। तो इतने सारे चीनी से कितना सारा तिलकुट बनेगा, कितना केजी? ये पाग जो है वो 12 केजी का है। अच्छा। और ये तिलकुट लगभग 25 किलो के आसपास तैयार होगा। अच्छा अच्छा। यानी कि 12 केजी में 13 केजी के आसपास तिल जाता है। अच्छा ठीक। Thank you.
वीडियो में सारे लोग आप लोग आ रहे हैं और आप लोग का मेहनत और लगन दिख रहा है पूरा। मेहनत तो बहुत है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि कितना मेहनत लग रहा है और कैसे इसका कलर जो है वो बदल गया है, पूरी तरह से सफेद दिख रहा है। इसको ये लोग करीब 5 मिनट तक इसी तरह से फेंटेंगे। तो चलिए सामने से इसको देखते हैं। तो अब ये हो चुका है, वे लोग इसको यहाँ से उतार रहे हैं। देखिए आप, मेन चाचा के पास आ चुका है। तो ये भुंजा हुआ तिल है, कितना देर तक मिलाइएगा इसको? 10-15 मिनट तक। उधर बैठे हुए हैं तो एक एक होके सबका काम बटा हुआ है। एक वहाँ से आता है, फिर इधर आएगा, फिर इनके पास आया, फिर आपके पास जाएगा। तो सबका इसमें एक एक तरह का बराबर सहयोग रहता है। उनको पहले बनाइए, सबसे मेन बनाइए। इसमें पूरा तिल को दबा रहे हैं ना, तिल को दबा रहे हैं पूरा, ताकि पूरा तिल अंदर तक चला जाए। इस तरह से अंदर चला गया है। अच्छा, पूरा अंदर चला गया है। अब इसको आप छोटा छोटा पीस में काट रहे हैं। काटेंगे फिर लोहिया काटेंगे इसको। लोहिया काटने के बाद खुदाई होगा। ये देखिए, ये है खुदाई। क्या है? कमलेश। कमलेश जी, तो कितना देर तक कूटते हैं इसको? इसको बस एक मिनट। आपका नाम क्या है? प्रेम भैया। आप लोग कहाँ से हैं? चतरा जिला। चतरा जिला। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम सोल्जर। आपका नाम क्या है? संतू। और आप? जुगल किशोर राव। जुगल जी। और आप? राजेश साहू। राजेश साहू। आप कौन है? अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम धर्मपाल कुमार। आपका नाम क्या है? धनंजय कुमार। हाँ, धनंजय कुमार। धनंजय,
कितना केजी का पैकेट बना रहे हैं? 500 ग्राम का है। 500 ग्राम का है। और इसके बाद आ गया इस डब्बे में राकेश तिलकुट। क्या नाम है बाबू? सुधीर। सुधीर, ये खोवा वाला पैक किए हो? हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिकंदर कुमार गुप्ता। सिकंदर जी, आप कहाँ से हैं? हम झारखंड से रहने वाला है, सैनानपुर गांव है, जिला चतरा। अच्छा, प्रतापपुर थाना। खोवा वाला तिलकुट तुरंत गर्मा गर्म बन के तैयार है और मैं ये ट्राई करके देखता हूँ कि खाने में कैसा है। तो मैं देखता हूँ खाते। ये बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर खोवा भरा हुआ है, आप देख सकते हो, और बहुत टेस्टी है, खाने में बहुत खस्ता लग रहा है। बहुत अच्छा बनाया आप लोगों ने। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इस मकर संक्रांति आप जरूर से जरूर राकेश तिलकुट का ही तिलकुट खाएं, और ये बहुत स्वादिष्ट है खाने में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।